मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ दार्जिलिंग की ओर, तो चाहिए ना पैसा, पैसा चाहिए ना। वाह रे वाह, देखो गाइस, देखो गाइस, सुनो मुझे पैसा दे रहे, पैसा दीदी, बाय बाय, नहीं टाटा, मिलते हैं बहुत जल्दी, ओके। यहाँ पे नेपाल में सैटरडे को ऑफ होता है, जैसे हम लोग वहाँ पे संडे होता है ना, और यहाँ पे सैटरडे को ऑफ होता है, और गाँव का गाड़ी भी नहीं चलता यहाँ पे, थक गया लेकिन चल चल के गाइस। फ्रीज में आ गया मुझे लेने के लिए। तो फिलहाल गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मेरे बड़ी माँ के घर पे, और देख सकते हैं मेरी बड़ी माँ इधर खाना निकाल रही है, और मेरे बड़े पापा एंड मेरी दीदी एंड मेरे पापा। सो हे गाइस एंड नमस्ते, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस, बट मैं अभी अच्छा नहीं हूँ, बिकॉज मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ दार्जिलिंग की ओर, और देख सकते हैं पूरा फुल पैक हो चुका है। पापा भी रेडी, एनजी जाजी भी हमारे साथ इलाम तक जाएंगे। देन काफी ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने एक साथ, एक छोटा सा टाइम था बट जितना भी था बहुत ही अच्छा था, बहुत स्पेशल था ये टाइम ना, इतना जल्दी गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला इतना जल्दी गुजर गया। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा दार्जिलिंग की ओर, और वहाँ पे मीटअप करेंगे मेरी बड़ी माँ मेरे पापा के साथ, वहाँ पे अभी हम लोग स्टे करेंगे एक दिन। देन 25 को मेरा ट्रेन का टिकट है, हम लोग जाएंगे फिर 25 को अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो चाहिए ना पैसा, पैसा चाहिए ना। वाह रे वाह, देखो गाइस सुनो मुझे पैसा दे रहे, पैसा बोल रहे कि रास्ता में मिठाई चीज़ें खा के जाओ। सुनो अभी कितने साल के बाद मिलेंगे पता नहीं गाइस, बहुत ज्यादा मिस करूंगा सबको, बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। देखो गाइस मुझे सुनो पैसा आया, कुछ 100,000 दे रहा। एक्चुअली बोलने से ये पैसा मैं क्यों ले रहा हूँ, लाइक ये प्यार है, मुझे प्यार दे रहे, तो इसको मैं खर्च नहीं करूंगा, इसको मैं रखूंगा अपने पर्स में, और जब तक रहेगा तब तक रखूंगा इसको, ठीक है। जब इमरजेंसी होगा, जब मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं होगा ना, तब इसको यूज करूंगा, इसको मैं प्यार से रखूंगा, ठीक है। ये मेरे लिए ब्लेसिंग रहेगा, लो आशीर्वाद देने वाला है। चलो आप दोनों का भी फोटो खींच देगा, चलो आज गाइस यहाँ पे छोड़ने जाएगा आधा रास्ता तक, और सबको बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ, दीदी को, भीना जी को। नेक्स्ट टाइम मैं बाइक लेके आऊंगा गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, मेरा मोनिटाइज होने वाला है, मोनिटाइज होने के बाद मैं पूरा राइड करूंगा हर जगह पे, एंड मैं बाइक लेके आऊंगा नेपाल में, और दीदी लोग ने बताया कि नेपाल में इजी है आने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन आई विल राइड काठमांडू ऑल्सो, एंड बहुत जगह, बहुत ही अच्छा अच्छा जगह में मैं राइड करने वाला हूँ गाइस, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। सो गाइस फैमिली फोटो शोटो पूरा खींच लिया, देन अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन मतलब दार्जिलिंग की ओर। दीदी बाय बाय, नहीं टाटा, मिलते हैं बहुत जल्दी, ओके। तो गाइस अभी हम पैदल चल के जा रहे हैं, एक्चुअली मुझे भाई जो पापा को लेके चला गया ऊपर तक बाइक में, क्योंकि गाड़ी सारी का मतलब गाड़ी इतना नहीं मिलता यहाँ पे ना, एक बार सुबह जो जाता है देन वो शाम को ही आता है, और आज तो ऐसे भी जो डे है ना, आज में गाड़ी बिल्कुल नहीं चलता यहाँ पे, अच्छा सैटरडे ऑफ होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नेपाल में सैटरडे को ऑफ होता है, जैसे हम लोग वहाँ पे संडे होता है ना, और यहाँ पे सैटरडे को ऑफ होता है, और गाँव का गाड़ी भी नहीं चलता यहाँ पे, तो हम लोग को लेकिन जो इलाम मार्केट है वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं जीजा जी एंड हमारे सनो हम लोग पैदल जा रहे हैं, सनो जो घास काटने जा रहे हैं आधा रास्ता से छूट जाएंगे, देन मैं और जीजा जी आराम से पैदल चल के जाएंगे, राजा आएगा पापा को छोड़ के हमें लेने के लिए गाइस। तो चलते हैं अभी पैदल यात्रा करते हैं ना, लाइक ऐसा करके। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग का सनो का माटी उधर है, मुझे वही दिखा रहे थे, घास काटना। एक्चुअली गाइस जीजा जी चले गए बाइक में, और अभी मैं अकेला हो जाऊंगा चलते चलते, राजू आएगा मुझे लेने के लिए। हाँ लोकेशन काफी ज्यादा सुंदर है गाइस, तो आगे की ओर चलते हैं, ऐसा कुछ घास काटना पड़ता है, ये देखो गाइस, बहुत ज्यादा सुंदर है। अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, एक्चुअली बोले से सनो का वहाँ पे हो चुका था मतलब घास काटने वाला प्लेस आ चुका था, नो मुझे छोड़ने के लिए फिर से ये नदी का सामने आ चुके हैं, थक गया लेकिन चल चल के गाइस। अभी थोड़ा थोड़ा करके बारिश भी आ रहा है, आई थिंक राजू आ जाएगा होगा अभी तक, तो थोड़ा देर में आना चाहिए मेरा हिसाब से। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आधा रास्ता पे देख सकते हैं, और यहाँ पे है ब्रिज, ये ब्रिज क्रॉसिंग करके ही हम जाएंगे इलाम की तरफ, और अभी भी लोकेशन काफी ज्यादा सुंदर है, सनो मेरे साथ ही है, राजा अभी तक आया नहीं है, राजू आने का बात है, वो आ रहा होगा शायद मुझे लेने के लिए। हाँ बहुत सारा गर्मी लग गया है, लोकेशन काफी ज्यादा सुंदर है गाइस, अभी यहाँ से निकलेंगे फोटो। चलो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ, मुझे बहुत सारा ऊपर चलना पड़ेगा अभी पहाड़ों में, मिलते हैं ऊपर ही ना राजू को, जब राजू आएगा तब दिखाऊंगा मैं, ठीक है। सकते गाइस ठीक, ये बीच में आ गया मुझे लेने के लिए, अभी सनो पूरा ऊपर फिर से चल के जाएंगे। तो गाइस अभी मैं भी यहाँ से निकलूंगा, और राजू मुझे छोड़ने जा रहा है क्योंकि पापा को तो वो ऊपर छोड़ के आ चुका है, अभी हम लोग जाएंगे सीधा यहाँ से दार्जिलिंग की, और काफी ज्यादा मिस करूंगा सबको, और नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा फिर से जल्दी ही जल्दी। चलो निकलते हैं, मुझे सनो बस नहीं जान, चलो मिलेगा बाद में बहुत जल्दी, ठीक है। फिर से गाइस काफी ज्यादा मिस करूंगा ये दिन को, जो रास्ता से आया था ना सिलीगुड़ी होके जो बॉर्डर लाइन था वहाँ से नहीं जाएंगे अब, अभी हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग का पशुपति होके, वहाँ पे नेपाल बॉर्डर भी पड़ता है दार्जिलिंग में, तो हम लोग वही रास्ता से जाएंगे क्योंकि हम लोग दार्जिलिंग पास पड़ेगा ना, इसका हम लोग उधर से जा रहे गाइस, और भाई चला रहे गाइस अभी, मिलते हैं वहीं पे, चलो पापा के साथ मिलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे, देन पापा मेरी जो वीना जो एंड राजू अभी हमें छोड़ने के लिए यहाँ पे रुके हैं, अभी यहाँ से गाड़ी आएगा, देन हम लोग उठ जाएंगे पशुपति है ना, फिकल जाएंगे पशुपति नहीं फिकल जाएंगे, फिकल से हम लोग पशुपति की तरफ जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग फिक्कल पहुंच चुके हैं मैं और पापा, और हम चल रहे हैं कुछ इस तरह से, ये अभी भी नेपाली है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फिक्कल, यहाँ से जाएंगे हम पशुपति की ओर, और ये है हम लोग का टैक्सी, लोकेशन अभी भी ऐसा है गाइस, पूरा दार्जिलिंग का वाइब्स आ रहा है, यहाँ से आधा घंटा लगेगा दार्जिलिंग पहुंचने के लिए मतलब पशुपति पहुंचने के लिए, वहाँ पे इंडिया टू नेपाल बॉर्डर है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। गाइस
गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग मतलब इंडिया। अभी हम लोग क्रॉस करके आए हैं बॉर्डर लाइक इंडिया टू नेपाल। अभी ये पशुपति है और ये ना दार्जिलिंग ही पड़ता है गाइस। एक्चुअली उन्होंने वेस्ट बंगाल पे हम एंटर कर चुके हैं। अभी गाड़ी सारी कोई आएगा तो जाएंगे। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सीओ की गार्डन। देन मेरा घर इधर से ही जाता है। अब हम यहीं से जाएंगे अपना घर की ओर काफी बढ़िया से। वो दीदी के लिए कुछ कुछ ले देते हैं लाइक मिठाई सिटाई। तो गाइस हम लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे एक दीदी को बोला मैंने मैगी बना दो बोल के, मैगी सेगी खा के जाएंगे। और गाड़ी मैंने बोल दिया बड़ी लोगों की गाड़ी लेके आओ बोलिए, तो बड़ी लोग गाड़ी लेके आएंगे। अभी पिताजी फोन कर रहे हैं फिर से कि हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं बोल। गाइस आ गया हम लोग मैगी ऑलमोस्ट खत्म करने वाले थे, मुझे याद आया कि व्लॉग बनाना है बोल के, चलो खा लेते हैं। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ। शायद गाड़ी आ रही है, टिट टिट कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे गाड़ी नहीं आएगा बोल के, हम लोग चल के जा रहे थे, थोड़ा सा फोटो शूट खींचे बोल के। अगर गाड़ी आ गया तो सही है, नहीं आ गया तो पैदल चलना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है गाइस, मुझे लोकेशन चेक करो गाइस, पूरा बारिश आ रहा है और प्लस पूरा कोहरा छाया हुआ है और प्लस बारिश भी आ रही है तो और ज्यादा ठंडा हो गया। अरे बाप, मैं पहुंच चुका हूँ मेरे बड़ी माँ के घर पे। और देख सकते हैं मेरी बड़ी माँ इधर खाना निकाल रही है और मेरे बड़े पापा एंड मेरी दीदी एंड मेरे पापा अभी खाना खा रहे हैं हम लोग। और पूरा देसी घी ढाल के मैंने खाना में मिक्स कर दिया। एंड देखो ये की को सब्जी हो दीदी, ये है फर्सी का मुंटा और यहाँ पे दाल देखो। और गाइस यहाँ पे दो बिल्ली है, एक ऑनलाइन वाला बिल्ली है, एक लोकल वाला बिल्ली है। ऑनलाइन वाला बिल्ली का मतलब थोड़ा बताइए तो वरना ना, ऑनलाइन का मतलब गाइस ऑनलाइन से ही बुक किया गया ये बिल्ली को, ये यो नहीं इसको ऑनलाइन से बुक किया गया। ये ऑनलाइन वाला बिल्ली है ठीक है, बहुत छोटा, मैं ऑनलाइन से ऑर्डर किया था दीदी ने, तो ये ऑनलाइन से आया गया है यहाँ पे। वहाँ पे तो अभी फीचर नहीं है लेकिन यहाँ पे दार्जिलिंग में मिलता है ऑनलाइन बिल्ली भी। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन पूरा रात हो चुका है, इसको खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं ठीक है। तो फिलहाल गाइस मैं खाना खा के ऊपर था आ गया था। एक्चुअली उन्होंने बेड को थोड़ा बनाने का है मुझे अभी ना। और गाइस देख सकते हैं ये है मेरा बड़ी पापा लोग का घर, मतलब बड़े पापा का घर, और काफी ज्यादा सुंदर है, काफी ज्यादा प्यारा है। और मेरा घर ऊपर है, कल मैं आपको दिखाऊंगा मेरा घर, मेरा खुद का घर भी दिखाऊंगा मैं आपको ठीक है। बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ मैं अपना घर को ना देखने के लिए, क्योंकि मैं शाम को पहुंचा हूँ ना, कुछ दिखाई भी नहीं दिया अच्छे से, बस मैंने दूर से देखा, जस्ट नमस्कार किया मैंने अपने घर को क्योंकि मैं मिस कर रहा था अपना घर को भी। और हमने खाना साना एकदम बढ़िया से खाया गाइस। अभी थोड़ी देर में मेरे बड़े पापा एंड दीदी सब इधर ही आ जाएंगे, उसके बाद सबसे मिलाऊंगा मैं, थोड़ी थोड़ी करके इंट्रोड्यूस कराऊंगा ठीक है। चलो गाइस अभी थोड़ी देर में मिलते। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग अपने डिनर शिनर कंप्लीट करके आ गए रूम पे। देन अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। एक्चुअली मुझसे बहुत ज्यादा फैमिली अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पे, और बहुत पहले पहले का बात बोल रहे थे यहाँ पे बैठ के पापा एंड मेरे बड़े पापा एंड बड़ी मम्मा एंड दीदी वहाँ पे। तो गाइस ब्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज्यादा थक गया हूं गाइस, बहुत ही ज्यादा थक गया पैदल चल चल के ना। एक्चुअली मुझसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ मैं राजा एंड मेरे उधर का फैमिली लोग, बड़ी मम्मी को ऑल्सो, और सबको ना, सबको ज्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, नेपाल का जितना भी अभी मेरे अपने देश सबको मिस कर रहा हूँ अभी मैं, तो उनको प्यारा सा ये गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में ठीक है। आप लोग बस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।